खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो अगले दो दिनों में 3 डिग्री तक पारा गिर चुका है या फिर गिर सकता है। और उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने ठंड को एक तरह से बढ़ा दिया है, तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जो है देखी जा रही है। सरगुजा संभाग में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, तो लगातार देखिए किस तरह से ठंड अपना विकराल रूप दिखाते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। अगले दो दिनों में 3 डिग्री तक पारा और भी गिर सकता है, और साथ ही उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो आपको ये भी जानकारी दे दें, उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने छत्तीसगढ़ में ठंड को बढ़ा दिया है। सरगुजा संभाग में इस समय सबसे ज्यादा तापमान जो है कम दर्ज किया जा रहा है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, लेकिन अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो इस समय कैसा मौसम वहां पर? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर की यदि मैं बात करती हूँ, तो दो दिन के बाद से आज जो है वो ठंड हवाओं का रुख राजधानी रायपुर में सुबह से ही देखा जा रहा है। बीते दिनों जो है दो दिनों तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद से मौसम काफ़ी शुष्क बना हुआ था, लेकिन मौसम विभागों ने पूर्वानुमान लगाया था कि आने वाले दो दिनों में ठंड बढ़ेगी, और उसी लिहाज से अब प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ठंड जो है वो दर्ज की जा रही है। राजधानी रायपुर में ही जो है वो अभी 16 डिग्री के आसपास तापमान, न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है, और वहीं रायपुर से लगे माना में जो है वो 14 डिग्री तापमान के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यदि हम बात करते हैं, तो सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो पड़ रही है। अंबिकापुर में शीतलहर की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कम से जो मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उसमें उनके मुताबिक जो है वो 8 डिग्री न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया है, और ठंड हवाओं का रुख सबसे ज़्यादा सरगुजा संभाग में देखा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक जो है वो बंगाल की खाड़ी से जो नमी युक्त हवा आ रही थी, वो हवाओं का दिशा जो है वो बदल चुका है। अब जो है सीधे तौर पर ठंडी हवाओं का रुख छत्तीसगढ़ की तरफ हो रहा है, जिसके बाद से मौसम में बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा है। अलग अलग इलाकों की यदि हम बात करते हैं, तो बिलासपुर में जो है वो 14 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पेंड्रा रोड में जो है वो 11 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में सबसे कम जो है अब तक 8 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और आने वाले फॉरकास्टिंग भी मौसम विशेषज्ञों ने की है कि आने वाले दिनों में तापमान में और कमी देखी जाएगी, 2 से 3 डिग्री तापमान और जो है वो गिर सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जो है व्यक्त की है। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ठंडी हवा का जो रुख वो देखा जा रहा है, और आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।